अब मेरे को कुछ ऐसा करना है, और फिर वो उसके जहन में बैठ जाता है और फिर वो बड़े के लिए सोचता है। जैसे कि आपने बोला अभी कि कांस्टेबल के पेपर भी बोले पेरेंट्स ने या फिर सजेस्ट किए फैमिली मेंबर ने, लेकिन आपने उस बड़ी चीज के पीछे कभी भी इवन फेलियर्स के बाद भी आपने उसको नहीं छोड़ा। तो ऐसा टर्निंग पॉइंट क्या था लाइफ में जिसने आपको इतना मोटिवेटेड फील कराया कि यार करना है तो बड़ा करना है, छोटे के साथ नहीं रहना है? सर, पहली चीज तो जो होती है कि आप मेहनत करने से नहीं डरते हो। अगर कोई चीज़ बड़ी करनी है, चाहे वो किसी भी फील्ड में कुछ भी हो, आप टीचर हो, आप आर्मी ऑफिसर हो, आप सिविल सर्विसेज ऑफिसर हो, आप या फिर लॉयर हो, एडवोकेट हो, कोई भी हो, तो पहली चीज़ तो ये होती है कि आप मेहनत तो करनी पड़ेगी। सो टर्निंग पॉइंट जब मेरा पहला NDA निकला था, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहा था, तो वहाँ से मुझे ये समझ में आ गई थी कि अगर गाइडेंस अच्छी मिल गई मुझे और मैंने सही डायरेक्शन में मेहनत कर ली, तो टाइम भले लग जाएगा लेकिन मैं जो चीज़ चाहता हूँ इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल फॉर एवरीवन। तो वहाँ से ये चीज़ मुझे समझ में आ गई थी, फिर मैंने ये सब पीछे मुड़ के कभी देखा नहीं। मेरा वो निकल गया, फिर मुझे लगा कि अब तो सब निकल जाएगा अगर ये हो सकता है तो। मतलब मोटिवेशन अपनी जगह, लेकिन पेपर एक आधा पेपर निकलना वो अपने आप में एक अलग मोटिवेशन का काम करता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल।